आप पूरा बताएंगे? ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भाईचारा कावड़ यात्रा है और ये हरिद्वार से लेके यमुनानगर होते हुए पंचकुला, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, राज्य स्तरीय शहीद समारोह, स्वतंत्रता सेनानी समारोह उसमें जाए। इसका मुख्य जो मकसद है हरियाणा के अंदर भाईचारा कायम, इसका मुख्य मकसद है कि हरियाणा के लोगों के जीवन में खुशहाली आए और भाईचारा रहे, क्योंकि इन सारी की सारी पार्टियों ने, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इन लो तीनों, सीबीआई बोलते हैं हम इनको, सीबीआई ने पूरी तरह से हरियाणा के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की। तो आम आदमी पार्टी का एक प्रयास है, क्योंकि यात्रा है तो सारे नेता निकाल रहे हैं, सब मुख्यमंत्री बनने के लिए निकाल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की जो यात्रा है, लेकिन हरियाणा की खुशहाली के लिए, हरियाणा के भाईचारे के लिए निकल रहे हैं। और इसमें सबको हम गंगाजल भेंट करेंगे, सारे मंत्रियों को, विधायकों को, सबको गंगाजल भेंट करेंगे, ताकि उनको कुछ सद्बुद्धि आए कि कुछ हरियाणा की जनता की भलाई के काम। सर, जैसे यहाँ प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस यात्रा के माध्यम? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो सावन का जो महीना बोलते हैं, शिव जी की अलग अलग जगह यात्राएं निकलती हैं, और हरियाणा के सभी लोगों के लिए हम तो यही है कि भोलेनाथ जिस तरह सब पे कृपा करते हैं, आप सबके लिए आशीर्वाद लेके आए हैं, सबको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, और जो भी अंदर मन के अंदर गलत चीज़ें हैं उनको निकाल देना।